हमारा जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हमारा वास्ता पड़ता है नंबरों के साथ, वैल्यूज के साथ, फिगर्स के साथ। बड़ी वैल्यूज भी होती है, छोटी वैल्यूज भी होती है, और जब इन बड़ी वैल्यूज को या छोटी वैल्यूज को आपस में एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं आपके सामने दो नंबर्स लिखता हूँ, दो वैल्यूज लिखता हूँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है? जैसे ये ठीक है, दूसरा नंबर ये, अब अगर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपसे कहूंगा कि 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप कभी भी इतने टाइम के दौरान इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकोगे। तो पहला जो मसला हमें पेश आता है वो आता है टाइम कि इस सवाल को हल करते हुए हमारा बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है। और दूसरा मसला हमें जो दरपेश होता है वो ये होता है कि इस सवाल को, इस वैल्यू को हल करने के बावजूद भी हमारे जहन में ये खदशा रहता है कि हमने कोई गलती कर दी है। तो दूसरा जो मसला हमें पेश आता है वो किसका आता है? गलती का, एरर, कि देयर मस्ट बी अ, देयर विल बी अ, देयर इज एन एरर इन माई सोल्यूशन, ठीक है, मेरे सवाल में, मेरे जवाब में कहीं ना कहीं गलती मौजूद है, ठीक है। हम श्योर नहीं होते कि हमारा सवाल ठीक है या गलत है। अब इसी तरह हम स्मॉल वैल्यूज दे देते हैं, जैसे ये, इसको डिवाइड कर देते हैं दूसरे नंबर से। अब अगेन जब हम इन स्मॉल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगेन यही मसाले पेश आते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, और गलती का चांस भी मौजूद रहता है। अब इन दो मसाइल से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड डेवलप करते हैं, और वो मेथड ये है कि लार्ज वैल्यूज को या इन स्मॉल वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, इस तरीके को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड, इज अ टेक्निक टू राइट अ वेरी वेरी लार्ज, अ वेरी स्मॉल वैल्यू इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? हम इन नंबर्स को किस तरह लिखते हैं? हम इन नंबर्स को क्या करते हैं? 10 की पावर्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? 10 की पावर्स में। हम इन नंबरों, चाहे बड़ी वैल्यू हो चाहे छोटी वैल्यू हो, किसकी पावर में लिखते हैं? 10 की पावर में लिखते हैं। और ये जो लिखने का तरीका होता है, ये लिखने की जो टेक्निक है, ये क्या कहलाती है? साइंटिफिक नोटेशन। आया क्या हम नंबरों को वैसे ही लिख देते हैं 10 की पावर्स में, या हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं? क्वेश्चन ये राइज होता है, तो बेटा जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं बड़े नंबरों को या छोटे नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। और ये उस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, देयर शुड ओनली बी अ वन नॉन जीरो डिजिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड पे एक और सिर्फ एक गैर सिफर नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास कितने गैर सिफर नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब इन 9 नंबर में से कोई एक नंबर मौजूद होना चाहिए। किस तरफ? बाएं तरफ।
किसके बाएं तरफ, डेसिमल के बाएं तरफ। अब इसी चीज को, इसी रूल को हम एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह एक बड़े नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या छोटी हालत में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है जी। अब पहली बात ये है कि इसमें हमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो बेटा काउंटिंग ये गिनती जो होती है बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखी जाती है, तो दाएं तरफ आपके पास जो वैल्यू है उसका जो लास्ट डिजिट है उसके बाद डेसिमल छुपा होता है, आप उसको सामने ला सकते हो और उसके बाद नंबर ऑफ जीरो जितने मर्जी या डालो उनकी कोई हैसियत नहीं। अब हमें जाहिर सी बात है कि डेसिमल नजर आ गया है और इस डेसिमल को हमने किधर शिफ्ट करना होता है पॉजिटिव वैल्यू में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने इसको किधर से किधर शिफ्ट करना है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हमने इसे शिफ्ट करना। और हमेशा याद रखें जब भी आप डेसिमल पॉइंट को किसी भी वैल्यू में राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते, राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 10 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो बेटा इसको हम इस तरह शिफ्ट करेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक गैर सिफर नंबर होना चाहिए। और इसको फिर कहां पर शिफ्ट करेंगे, हम इसको 6 के बाद शिफ्ट। कैसे, हम इस नंबर को यू लिख सकते हैं 6.30 इनटू 10 रेज टू पावर, प्लस का साइन डाला नहीं जाता 10 की पावर। और 10 की पावर कितने होगी, जितने डिजिट इंक्लूडिंग जीरो हमने इसको शिफ्ट किया है, तो कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, so 10 की पावर 7। तो आपने ये जो नंबर था, ये जो दरिया था, आपने इसको किस में बंद कर दिया, उसे में बंद। अब हम एक छोटी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 0.000043 10। अब हमें इसमें डेसिमल ऑलरेडी नजर आ रहा है, उसको लोकेट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को किधर शिफ्ट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा याद रखें, हमेशा जब भी आप किसी वैल्यू में किसी नंबर में डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। और जितने नंबर जितने डिजिट शिफ्ट करोगे उतने वो क्या होगी, माइनस होगी। अब इस नंबर को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले डेसिमल यहाँ आ रहा है तो इस वैल्यू में जो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम डेसिमल को किधर शिफ्ट करेंगे, आफ्टर 4। हम इसको लिख सकते हैं 4.31 × 10⁻⁴ माइनस, इसलिए हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया, ठीक है जी। और जितने डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरोस किया है उतनी 10 की पावर माइनस होगी, काउंट करें 1, 2, 3, 4 and 5, तो 4.31 × 10⁻⁵। कुछ समझ आया आप लोगों को, ये कहलाता है ये जो मेथड है, ये लिखने का तरीका है, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन का प्रिंसिपल भी क्या है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी लेफ्ट साइड, उसकी लेफ्ट साइड पे एक गैर सिफर नंबर होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप इन एग्जांपल्स को साइंटिफिक नोटेशन से क्या करें, आप सॉल्व करें और फिर मुझे दिखाएं उसमें कोई भी गलती हो मैं उसको एड्रेस कर सकूं। जरा ये एग्जांपल्स आप नोट कर लें।